समलैंगिकता के चलते शादी करने वाली दो लड़कियों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक बार फिर एक लड़की की मां की ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई हेतु दोनों लड़कियों को चौकी बुलाया गया। लेकिन इस बार की वेशभूषा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों लड़कियों में एक पैंट शर्ट में थी तो दूसरी दुल्हन की पोशाक में, और दोनों के गले में फूलों की माला पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी में पता लगा कि दोनों अपनी शादी की सालगिरह मनाने मंदिर गए हुए थे, जहां से दर्शन करने के बाद वो सीधे बर्रा चौकी आए पहुंची। दरअसल मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के गुंजन बिहार मोहल्ले का है, जहां रहने वाली कीर्ति और नन्ही नाम की इन दोनों लड़कियों की दोस्ती थी। समय बीता तो दोनों की दोस्ती प्रेम में तब्दील हो गई, और इस प्रेम को हमेशा के लिए साथ रखने के लिए 25 अगस्त 2019 को दोनों ने शादी रचा ली। इस बात की खबर जब नन्ही के परिवार वालों को लगी तो वो विरोध में उतर आए और उन्होंने कीर्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस करती भी तो क्या करती, दोनों ने समलैंगिकता के नियमों का पालन करते हुए बालिग होना साबित कर दिया और अपने आप को पति पत्नी करार दिया। किस तरीके का मामला चौकी आई है, क्या है पूरा मामला? इनकी मम्मी ने एप्लीकेशन डाली है छूट, जैसे उन्होंने पिछली बार डाली थी वैसे तो इस बार डाली, पिछली बार भी उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि इनको भगा के ले गए चौकी में। जब इनके बयान हुए यहाँ पर सर के सामने, तब उनके मुंह धुआं रह गया था, कुछ नहीं रहा था। इनके एप्लीकेशन डाली आप लोग कि हम लोग लड़की है, मेरे घर वालों ने हमें ये चाहिए थी, तो मेरे घर वालों ने कहा तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें घर से गजट होना पड़ेगा, तो हमने अपने घर से गजट करा लिया। आज अगर ये हमसे दूर हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कितने सालों से आपका? एक साल से हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि समलैंगिकता का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन स्टाइल और हाव भाव देते हुए दोनों क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।